अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर इस्माइल और आप देख रहे हैं ई टेक ऑनलाइन। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नाइट्रोक्स 5 किलोवाट में जो लो और हाई वोल्टेज के लिए प्रोटेक्शन दी हुई है, जिसमें हम वोल्टेज अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। उसकी सेटिंग देखेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या वो काम करता भी है या नहीं करता। तो बहरहाल अभी तो तकरीबन 5:30 हुए हैं, आप देख सकते हैं कि 17:30 और आज 4 मई 2022 और इस वक्त जो है तकरीबन 1 किलोवाट का लोड जो मेरे पास है वो ऊपर से आ रहा है सोलर से, और 500 वाट जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं। और बैटरी को 33 वाट अभी भी चार्जिंग के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि बैटरी मेरे पास जो है 3225 वाट के जो मोनोपर्क जो है वो पैनल लगे हुए हैं, और बाकी 1530 1530 वाट के पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल लगे हुए हैं जो थोड़ा पहले के भी हैं, थोड़ा डैमेज भी हैं। दोस्तों, ये हैं पैनल, ये 6 पैनल मोनोपर्क जो मैंने आपको बताए थे, ये 6 पैनल लगे हुए हैं। 3 पैनल है 540 वाट के और 3 है 535 वाट के, जिनको के ए ग्रेड पैनल मोनोपर्क। और बाकी सेकेंड हाफ में जो लगे हुए हैं वो सेकेंड लेयर में 1530 वाट पॉलीक्रिस्टल लगे हुए हैं, जो मेरे पास पहले से जो यूज़ में पड़े हुए थे वो लगा लिए हैं वक्ती तौर पे। तो लेकिन मैं इस पर 6500 वाट तक के पैनल लगा सकता हूँ, और इंशाल्लाह जब ज़रूरत महसूस हुई तो दूसरी जो है वो लेयर में वो पॉलीक्रिस्टल जो पैनल है वो निकाल के और 6 पैनल मोनोपर्क के लगा दूंगा इंशाल्लाह व्हेन नीडेड। अभी आपको दिखाता हूँ कि इनकी एफिशिएंसी क्या आ रही है। अब जो PV1 है उसमें 3.3 एम्पियर आ रहे हैं और 765 वाट आ रहे हैं सोलर से, ये है मोनोपर्क। और PV2 जो है उसमें मुझे अभी आ रहे हैं 1.5 एम्पियर और 231 वाट, तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। और अभी तक जो है मुझे आज के दिन में 24.3 किलोवाट जो है वो मिल चुके हैं। अब जैसे ही अप्रैल आए तो अप्रैल से लेके जो कंजम्पशन पे होता है तो तकरीबन 25 से 26 यूनिट ये मुझे डेली दे रहा है। तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये मेरे पास लगा हुआ है, वो ये पहले मेरे पास दूसरा इन्वर्टर लगा हुआ था एरोक्स, और एरोक्स के अलावा भी पहले से ही मैं जो है वो पहले नॉर्मल जो UPS होते थे तो उस पर भी ये मेरे प्रोटेक्शन लगाई हुई थी, क्योंकि किसी भी टाइम जो है वो वोल्टेज कम या ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से चीज़ें डैमेज हो जाती हैं। तो ये फिर ज़बरदस्त प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। जब तक वोल्टेज नॉर्मलाइज नहीं होते तब तक ये ऑपरेट नहीं करते, ये ऑटो ऑपरेट करते हैं। मतलब जैसे ही जो है वोल्टेज कम होता है, जो सेटिंग हमने की होगी लो वोल्टेज हाई वोल्टेज की, तो उस हिसाब से वो ट्रिप कर देगा। जब नॉर्मल हो जाएंगे वोल्ट तो ये स्टार्टिंग कर देगा। अभी आप देख रहे हैं कि 246 वोल्ट आ रहे हैं मेरे पास इस प्रोटेक्टर पे दिखाई दे रहे हैं। अब इस पे तो 246 दिखाई दे रहे हैं और इस पे 243, हालांकि ये सेम ही जो है वो लाइन आ रही है मेरे पास, लेकिन इनमें वेरिएशन हल्का फुल्का हो सकता है। तो अभी लेकिन ये बीच में जो एम्पियर हैं, एम्पियर स्टार्टिंग हुए हैं इसके, एम्पियर इसलिए स्टार्टिंग हुए हैं कि ये मैं इसको चार्जिंग के लिए इन्वर्टर को अभी ऑन तो हो गया है, और ये भी अभी टाइमर लगा हुआ है मेरे पास, ये भी आप देख सकते हैं कि ऑटो और ऑन पोजीशन में है। जस्ट अ मिनट, अभी आपको नज़र आ रहा होगा ऑटो और ऑन पोजीशन पे, तो इसके टाइम अभी स्टार्टिंग टाइम है इसका, जो मैंने सेट किया हुआ है कि इस टाइम जो है इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाए, फिर जो इसका ऑफ टाइम होगा उस टाइम पे ये चार्जिंग बंद कर देगा। लेकिन यहाँ पे अभी वोल्टेज तो शो कर रहा है और नीचे किलोवाट आवर भी शो कर रहा है, लेकिन एम्पियर स्टार्ट नहीं हुआ, इसका मतलब है वो इन्वर्टर अभी लोड नहीं उठा रहा, मतलब इसको चार्जिंग उसने स्टार्ट नहीं की है। तो ये
आई थिंक सो इसी वजह से कि इसकी जो सेटिंग है उसमें जो है इसको वोल्टेज जो है मेरे ख्याल से 240 या 240 से भी कम दिए होंगे, इस वजह से जो है ये इसको ऑन नहीं कर रहा है चार्जिंग को। तो अभी देखते हैं कि ये क्या पोजीशन है इसकी, जाएंगे सेटिंग्स में, फिर ग्रिड सेटिंग, अब इसमें जाएंगे हम डाउन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये लो वोल्टेज जो रखे हुए हैं 150, और इसकी ग्रिड हाई वोल्टेज जो है वो देखेंगे 235 रखे हुए हैं। अब 235 पे क्या है कि यहाँ पे 235 है और यहाँ पे 247। अगर मिसाल के तौर पे ये कुछ ज़्यादा भी बता रहा है तो इसका मतलब ये 240 से फिर भी ऊपर ही है। तो अब हम क्योंकि जो बाहर से वोल्टेज आ रहे हैं उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते कम ना ज़्यादा, तो इसकी सेटिंग जो है इसकी सेटिंग में हम जो है 235 को हम कर लेते हैं, 245 पे लेके जाते हैं इसको। जस्ट जहाँ पे हमने सेटिंग करनी होती है उस पर एक दफ़ा ऐसे हाथ रखना होता है, टच करना होता है, तो कर्सर वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे अप डाउन होता है और इस अप डाउन के थ्रू हम सेटिंग कर सकते हैं। तो अभी जो सेटिंग इसकी हुई है अब यहाँ पे हो गए 245, और मज़े की बात है एक और भी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे भी आप देखें कि ये अब रेड लाइट जो है तेज़ी से ब्लिंक करना शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि इस प्रोटेक्टर के अंदर भी जो है जो सेटिंग है वो 245 से कम की सेटिंग रखी हुई है, तो जैसे ही 245 से ऊपर गए हैं तो ये ज़्यादा जो है वो हाई वोल्टेज की इंडिकेशन दे रहा है कि भाई आपके वोल्टेज ज़्यादा आ गए हैं, तो ये अलर्ट है एक किस्म का। तो इसका भी सेट करते हैं कि ये क्या है इसका। तो ये ऊपर सेट का बटन है उसको टच करके रखेंगे, तो जब प्रेस करके रखेंगे तो उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें ये पहले तो ये बता रहा है कि 200, अब दोबारा से करते हैं। ये पहले से ही 248 वोल्ट पे रखा हुआ है, अब हम इसको बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं 255, क्योंकि इतनी टॉलरेंस होती है चीज़ों में। अब आप देख सकते हैं कि जो है ये वोल्टेज भी उसके ऊपर कम हो गए और स्टेबल हो गए। तो ये अभी हमें जो हैजर्ड लाइट थी या अलर्ट लाइट थी वो नॉर्मल चल रही है, क्योंकि हमने इसको वोल्टेज कर दिए हैं, जो सेट वोल्टेज जो हाई वोल्टेज हमने रखती है वो 255 कर दिए हैं। और ये अब भी देखें ये एम्पियर भी स्टार्ट हो चुके हैं, 4.2 4.3 ऐसे चल रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी इन्वर्टर में भी चार्जिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि हमने यहाँ पे हमने रख दिए हैं 245 वोल्ट हाई में, तो वहाँ पे भी 245 ही है। तो ये हमें जो है वो इसको अब सेट करने के बाद है यहाँ पे इस ट्रिक के मार्क को हम एक दफ़ा टच करेंगे तो ये सेटिंग सेट हो जाएगी, अदरवाइज वो सेट नहीं होगी। तो ये हमारा जो है वो वोल्टेज सेट हो गए, और अभी आप देख रहे हैं कि जो ग्रिड है इस पे हमें शो कर रहा है कि ये कितना पावर ले रहा है। अभी अभी जिस हिसाब से बैटरी चार्ज है और जिस हिसाब से घर का लोड चल रहा है तो उसमें 806 वाट जो है ये अभी ले रहा है, क्योंकि ये रियल टाइम शेयरिंग है। जब तक सोलर से आता रहेगा और घर की जितनी कंजप्शन होगी, बैटरी जितनी चार्ज होगी, फिर उस हिसाब से जो उसको रिक्वायर्ड होंगे वही उतना ही जो है वो ग्रिड से लेगा। तो अभी 812 वाट ले रहा है, 3.5 एम्पियर। और अभी हमारे पास सोलर से आ रहे हैं 908, 24.5 किलोवाट हमें मिल चुके हैं, और ये हमारी चल रहा है लोड।
आज के दिन में, आज के दिन का मतलब है कि रात 12 बजे से लेके जो बैटरी से भी उठाता है जो भी है, 19.6 किलोवाट जो है वो यूनिट हम कंज्यूम कर चुके हैं, जो डायरेक्ट हम कंज्यूम करते हैं। इसमें वो शामिल नहीं है जो हम बैटरी को चार्जिंग करते हैं, बैटरी की चार्जिंग के जो यूनिट होते हैं वो अलग से बताता है। और ये अभी बैटरी की पोजीशन है, तकरीबन ये 58 वोल्ट पे जाके रुकेगा, तो अभी इसकी जितनी रिक्वायरमेंट होगी ये उतना लेगा, उसके बाद ये डाउन कर देगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, बस यही बताना था कि आपको कि एक तो ये प्रोटेक्शन जब भी ज़रूरी थी जब हमें नाइट्रोक्स के होते हुए, अगर हमारे पास नाइट्रोक्स है तो फिर हमें इस प्रोटेक्टर की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा है अगर कोई लेके लगाता है प्रोटेक्टर को, तो इससे क्या है कि आपके जो है इन्वर्टर जो काफ़ी कॉस्टली होता है, तो उसकी प्रोटेक्शन अगर डबल प्रोटेक्शन हो जाए, डबल लेयर प्रोटेक्शन, तो और अच्छा है कि यहीं पे जो है वो कट ऑफ कर दे, जो भी वोल्टेज हाई आ रहे हैं या कम आ रहे हैं तो यहाँ पे ही कट ऑफ कर दे, बजाय इसके जाके इन्वर्टर को ख़राब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।